शारदा सिन्हा के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। कही ये बातें प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 वर्षीय ने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच में उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन को संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रख्यात लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 वर्षीय ने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच में उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अपनी माटी की खुशबू सहेजे जब खनकती आवाज की जादूगर शारदा सिन्हा के स्वर बिहार से निकले तो पूरे पूर्वांचल ही नहीं देश भर के भोजपुरिया समाज पर छा गए। लोक परंपराओं को संजोए गीत भी ऐसे के जिन्हें जितनी बार सुनिए उतनी बार नयापन का एहसास और मिठास जो मन को भावों से भर दे। खासकर छठ महापर्व पर शारदा सिन्हा के गीत कान में न पड़े तो जैसे अनुष्ठान ही अधूरा हो। लोकमानस से जुड़े महापर्व आरंभ पर उनका जाना गायकी के एक युग का अंत हो जाना कहा जाएगा। अभी छठ की छटा बिखेरने वाली थी, उनके गीत लोगों की जुबां पर उतरने वाली थी, तभी भोजपुरी के स्वरों की साधिका अपने लाखों लाख प्रशंसकों को अलविदा कह गई। रह गई तो उनकी यादें, उनके गीत और संकल्प जिसे विकल्प शायद ही मिल पाए। उनका जाना काशी को अखर गया। लखनऊ में आयोजित भोजपुरी महोत्सव में आई थी शारदा सिन्हा।